गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संगीता पटेल फ्रॉम मुंबई। आज मैं आप लोगों के लिए छोटे से टिप्स लाई हूँ जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत होती है, पेट साफ नहीं होता है, सुबह उठते हैं तो परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर सिस्टम सुबह सुबह क्लीन ना हो तो। तो आज मैं आपको दो छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ जो कि आप रेगुलर लाइफ में इजिली अवेलेबल है और यूज कर सकते हैं। तो पहला टिप्स ये है कि आपको अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद में एक ग्लास 200 या 300 ml का लेना है और उस पानी गर्म करना है एक दो ग्लास। और उस पानी को गर्म करने के बाद में इस पानी को आपको कैसे पीना है आपको पता ही होगा। आजकल बहुत लोग टिप्स देते हैं, तो आपको पानी को उकड़ो पोजीशन में बैठ के आपको पानी को शिप शिप करके चाय की तरह पीना, जैसे हम चाय पीते हैं चाय की तरह हमको शिप शिप करके मजे लेते हुए पीना है, ठीक है, फिर ये वर्क करेगा। और अब दूसरा टिप्स ये है कि जब आप रात को सोने जाते हैं, आपका बेड टाइम होता है, उस टाइम पे आपको आधा ग्लास आप मिल्क ले लीजिए। और उस मिल्क में आपके पास जो भी घी अवेलेबल हो, जैसे कि आपके पास अगर गाय का घी अवेलेबल हो या भैंस का घी अवेलेबल हो, फिर वो घी को एक से दो स्पून आप उस गरम दूध में मिक्स कर दीजिए। गरम दूध में मिक्स करने के बाद में उसको प्रॉपरली मिक्स करने के बाद में उसको शिप शिप करके पी लीजिए। और उसके बाद में आप उसको पीने के बाद में आधे घंटे तक थोड़ा सा वॉक करिए, या आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। ये इस तरह से ये आपका पैर होगा और यहाँ पे इसको ज्वाइंट करके आपको इसी पे बैठ जाना है। इस दोनों हैंड को आपको प्लेस करना है अपॉन योर थाइस, बैक को स्ट्रेट करके आपको इस पोजीशन में एटलीस्ट 5 to 10 minutes बैठना है। 5 to 10 minutes बैठने के बाद में आप उठ करके जा करके सो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो, अगर टाइम हो तो आप थोड़ा सा वॉक करिए, जॉग करिए स्लोली, डिपेंड्स। ओके, थैंक यू। आई होप सो आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लगी हो और आपको ये टिप्स काम आएगी। हो सकता है कि आपको ये जो टिप्स है इमीडिएटली रिएक्ट ना करे आपके बॉडी पे, एक वीक या दो वीक लग सकता है, हर किसी की बॉडी पे अलग अलग रिएक्शंस होता है, डिपेंड करता है। तो आप ये टिप जरूर कंटिन्यू 1 week से 2 week ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।